वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि टेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, टाइम और टेंस में आपका फर्क क्या है। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें तो पहला जो टाइप होता है आपका वो होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे और इसके कितने पार्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर बाबू जो पहला आपका क्या दिया वो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान मतलब वर्तमान काल, ऐसा काल जो प्रेजेंट टाइम में आप बैठे, यही क्या है आपका वर्तमान है। और अभी यहाँ से उठ के चले जाएंगे वो क्या है, भविष्य है, ठीक है। और कल आप यहाँ पर आए थे वो क्या है, भूत है, पास्ट है आपका। बात एक ही है, प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल का इस्तेमाल तब होता है जब उस काम के होने के समय का, उसी समय जिस समय आप किसी चीज का जिक्र कर रहे थे उसी समय उसके होने का पता चले तो वो क्या है आपका वर्तमान है, ठीक है। तो कह रहे कार संपन्न होने की स्थिति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ एक्शन। तो स्टेट ऑफ एक्शन के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जैसे वह खेल रहा है, 3 घंटे से खेल रहा है, ठीक है, खेल चुका है, तो सारी चीजें प्रेजेंट थी तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा था। तो इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। अगर बात करें इंग्लिश में तो प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। तो पहला बाबू आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो अगर पहला इसका एग्जाम्पल देखिए, वह खेलता है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही प्लेज यानी वह खेलता है। अगला ही स्पीक्स यानी वो बोलता है। तो दोनों ही चीजें आपकी मेन अगर बात करें किस टेंस के अंतर्गत आएंगी तो वो आपका क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट के बाद अगर बात करें तो ये क्या है आपका, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी मैं कहूँ अब इसमें होता क्या है, बेसिकली ये इस्तेमाल कब होते हैं, कोई सर्वकालिक घटना है, ठीक है, यानी इटर्नल ट्रुथ है, या कोई प्रतिदिन होने वाला कार्य है। जैसे मैं कहूँ मैं रोज ब्रश करता हूँ तो ये भी आपका किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। जैसे माना मैंने कहा कि मैंने रोज ब्रश करता हूँ तो ये आएगा किस में, इंडेफिनिट में। अब क्यों इंडेफिनिट में आएगा, अनिश्चित, भाई मैं रोज करता हूँ तो निश्चित होना चाहिए, हो सकता है एक आध दिन ना करो तो, के गारंटी लेके करते हो, कसम खाने लायक हो कि जब से पैदा हो जब से बरसवे किए हो सकता है आप तेजस्वी हैं, मसला आपका अलग है, ठीक है। तो बाबू इसमें प्रतिदिन अगर कोई काम होता है तो वो भी कहाँ आता है आपका, इंडेफिनिट में ही आता है। जैसे मैं कहूँ वो खेलता है तो जरूरी नहीं कि वो खेल रहा हो सकता है रोज खेलता हूँ आज ना खेल रहा हूँ, इसीलिए इसमें किस में आया है बाबू, ये इंडेफिनिट में आया है। तो किसी भी काम के होने का पता तो चलता है इसमें, लेकिन निश्चित इसमें नहीं होता है। तो इसके दो एग्जाम्पल्स आपके, वो खेलता है और वो बोलता है, ये आपका क्या है, इंडेफिनिट है। अगला क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान और कंटिन्यू मतलब क्या है, वो काम अभी भी जारी है। जैसे मैं कहूँ ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो उस काम के होने का प्रेजेंट में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो काम जारी है या नहीं है, इसकी सबसे बड़ी पहचान कुछ नहीं करना है, ING लगा होगा तो क्या है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, यानी वो काम जारी है। अगला ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है, दोनों ही चीजें क्या है आपकी, कंटिन्यूअस है। अगले टाइप्स की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, उस काम के होने या पूर्ण होने का पता चल चुका होता है कि वो काम कैसा हो चुका है, पूरा हो चुका है। कह रहा है he has played, वह खेल चुका है। has किसके साथ लगता है बाबू, जहां कहीं भी he होता है या see होता है, he see के साथ has लगता है और I be और they के साथ आपका have लगता है। he has played यानी वह खेल चुका है, तो ये काम क्या है, परफेक्ट है, कि मैंने खेल कर आराम से बैठा है। कह रहे ही हैज स्पोकन, वह बोल चुका है तो प्रेजेंट है, लेकिन उस काम के पूरा होने का पता बाबू इसमें हमको चल चुका है, इसलिए आएगा आपका परफेक्ट की कैटेगरी में। अगला बात करें तो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब वो चीज निश्चित है, और कंटिन्यू मतलब जारी है, यानी प्रेजेंट टाइम में वो काम क्या है, जारी है। पहला इसमें एग्जांपल की बात करें, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, कि मतलब वह पिछले 3 घंटे से खेल रहा है, तो वो है क्या, ये पहली चीज बात करें तो प्रेजेंट है, दूसरा वो खेल रहा है तो वो आपका क्या है, परफेक्ट, और वो काम अगर जारी है तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स यानी 3 घंटे से खेल रहा है, तो आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। हमने कहा ही हैज बीन स्पीकिंग फॉर 3 आवर्स, वो पिछले 3 घंटे से बोल रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका किस कैटेगरी में आएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है और पिछले टाइम में शुरू हो चुका, तो इसमें परफेक्शन का पता चलता है। तो बात करें बाबू, हमने देखा कि जो आपके जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो 4 भागों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही प्लेस, वह खेलता है, ही स्पीक्स, वह बोलता है, ये दोनों ही चीजें बाबू इंडेफिनिट है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इस समय वो काम हो ही रहा हो। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मैं ये वो काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है, इसकी पहचान इसमें ING लग जाएगी आपकी, इसमें ता या ती लगते हैं, ठीक है।
तो उसमें अगर जाएंगे, देखिए तातीते अगर फार्मूला रटते हैं तो बाद में आप भूल जाते हैं, तो फार्मूला नहीं रटना, आपको सेंस लगाना है। ही स्पीक्स, वह बोलता है, कहते नहीं अब वो जरूरी क्या बोल रहा है, इस टाइम भी बोल रहा हूँ जरूरी है ये, ठीक है। जैसे मैंने कहा वो खेल रहा है, तो ये भाई प्रेजेंट टाइम में वो काम हो रहा है ना, ठीक है। ये कह रहा है कि वो काम परफेक्ट, यानी उसके काम के पूरा होने का समय हमको पता चल चुका है। जैसे हमको हम पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में, हम जा चुके हैं, हम खा चुके हैं, हम ब्रश कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और अगर कहूँ मैं, हम लोग 15 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। साथ ही साथ में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बाबू, सर्वकालिक घटना, कोई इटर्नल ट्रुथ है, ठीक है। जैसे सदा सच बोलो, अब भाई आज बोलो, कल बोलो, कभी भी बोलो, तो इसमें लगेगा कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। कह रहा है प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले काम, जैसे मैं ब्रश करता हूँ तो ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। मैं रोज मैं खाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं नहाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगला, जो भी रेडियो में आप कोई रेडियो में या टीवी में कोई समाचार सुनते हैं, तो वो भी आपका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आग आग लगने से 44 की मौत, तो भाई मौत तो कल, जैसे आप हो सकता, क्योंकि देखिए जब आप खबर सुन रहे थे तो मौत हो चुकी थी, तो उस हिसाब से इसको क्या होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। लेकिन हेडलाइन में बात करेंगे तो यही रहेगा, आग लगने से 44 लोगों की मौत। तो ये आपका जितने भी रेडियो में या टीवी में जो न्यूज सुनते हैं उसकी जो हेडलाइन होती है, ठीक है, वो किसमें होती है आपकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन होती है उसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होती है, ठीक है। जैसे कहीं भारी वर्षा के कारण 2 दिनों की छुट्टी, तो भाई होना बाद में है, लेकिन उस काम का जिक्र आज हो रहा है, ठीक है। अखबार कल, घटना कल की है और उसका जिक्र हम आज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये किस में आएगा, इंडेफिनिट में आएगा। ओवर।